अजब प्रेम की गजब कहानी, जेंडर बदलवा कर टीचर बन गई छात्रा का दूल्हा, सोशल मीडिया पर छाया अनोखा प्रेम विवाह। एक दिलचस्प प्रेम कहानी का वाक्या सामने आया है, जहां एक शिक्षिका ने अपनी छात्रा से शादी करने के लिए अपना जेंडर ही बदलवा लिया। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब दोनों ने शादी करने का फैसला लिया तो शिक्षिका ने अपना ऑपरेशन करवा कर अपना जेंडर चेंज करवा लिया। अब इस शादी को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। मामला राजस्थान का है। आपको बता दें कि 2013 में मीरा, जो कि अब आरओ बन चुके हैं, भरतपुर शहर के नागला में एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय में स्पोर्ट्स टीचर के रूप में उन्हें नौकरी मिली थी। इस दौरान मीरा को अपनी छात्रा कल्पना से प्रेम हो गया। कल्पना इसी स्कूल में पढ़ती थी। 2016 में कल्पना जब 10वीं क्लास में थी, उसने कबड्डी में हिस्सा लिया था। यहीं से मीरा यानी आरव और कल्पना के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। जल्द ही कबड्डी टूर्नामेंट के लिए ये दोनों दुबई जाने वाले हैं। हालांकि इससे पहले दोनों ने शादी कर ली, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अजब प्रेम की गजब कहानी, जेंडर बदलवा कर टीचर बन गई छात्रा का दूल्हा, सोशल मीडिया पर छाया अनोखा प्रेम विवाह। एक दिलचस्प प्रेम कहानी का वाक्या सामने आया है, जहां एक शिक्षिका ने अपनी छात्रा से शादी करने के लिए अपना जेंडर ही बदलवा लिया। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब दोनों ने शादी करने का फैसला लिया तो शिक्षिका ने अपना ऑपरेशन करवा कर अपना जेंडर चेंज करवा लिया। अब इस शादी को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। मामला राजस्थान का है। आपको बता दें कि 2013 में मीरा, जो कि अब आरओ बन चुके हैं, भरतपुर शहर के नागला में एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय में स्पोर्ट्स टीचर के रूप में उन्हें नौकरी मिली थी। इस दौरान मीरा को अपनी छात्रा कल्पना से प्रेम हो गया। कल्पना इसी स्कूल में पढ़ती थी। 2016 में कल्पना जब 10वीं क्लास में थी, उसने कबड्डी में हिस्सा लिया था। यहीं से मीरा यानी आरव और कल्पना के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। जल्द ही कबड्डी टूर्नामेंट के लिए ये दोनों दुबई जाने वाले हैं। हालांकि इससे पहले दोनों ने शादी कर ली, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।